हेलो दोस्तों, मेरा नाम डब्लू है और आज मेरा बर्थडे है। आज तो हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। आज सब लोग यहाँ पर हैं और केक भी रेडी है, लेकिन हम लोग सब एक इंसान का वेट कर रहे हैं और वो है डोंडू पापा। वो आते ही होंगे। ये डोंडू का बच्चा कहाँ रह गया? 12 बज गया, अभी तक आया नहीं। डोंडू पापा आते ही होंगे मम्मी। वैसे भी डोंडू पापा को करेक्ट टाइम पे एंट्री मारने की आदत है। हम लोगों ने काफी देर उनका इंतजार किया और आखिरकार डोंडू बाबा आए गए, वो भी अपनी धमाकेदार सवारी के साथ। अरे डोंडू बाबा, हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आओ आओ केक काटते। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिपाशा का नंबर है क्या? डोंडू बाबा, बिपाशा का नंबर चाहिए तो उसके बर्थडे में जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप तो मजाक कर रहे थे, आओ केक काटते। फिर हम सब ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया और खूब मजा किया। डोंडू पापा ने फिर कुछ ऐसा बताना शुरू किया जिसको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी पापा और कोचू बोंडू और हम खुद डोंडू पापा की बातें सुनकर हैरान थे, लेकिन मम्मी इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। डोंडू पापा ने काफी कोशिश की कि मम्मी मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी और वो वहाँ से चले गए। लेकिन डोंडू पापा ने ऐसा क्या बोला? अरे बहन जी, बहुत बेकार बहुत बेकार। क्या हो गया डोंडू? अरे बहन जी, एक तो ये बिपाशा का नंबर नहीं मिलता है और ऊपर से एक चुड़ैल पीछे पड़ गई है, उसका नाम है कमला। अच्छा, उसका नाम है कमला और मेरे यहाँ नहीं है एक भी गमला। अरे बहन जी मजाक मत उड़ाओ, बहुत खतरनाक भूतनी है वो, बड़े बड़ों के गमले उखाड़ चुकी है वो। आज तक उसका पालन मेरे जैसे किसी इंसान से नहीं पड़ा होगा। अरे बहुत बेकार बहुत बेकार, बहन जी भूतनी है वो, चुड़ैल परेतिन, ऐसा मत बोलो। अरे भाई तो ये भी तो आगे बताओ क्या हुआ भाई। अरे बहुत बेकार बहुत बेकार। अरे भाई साहब, वो औरत भी कभी हमारे जैसी थी, लेकिन फिर उसकी शादी हुई और उसके बाद उसके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा घुस गई। उसने उस घर के सारे लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अब तो बस उस घर में जाकर एक अच्छा सा हवन करना पड़ेगा और उस चुड़ैल की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमको डब्लू, गोचू और बोंदो की मदद चाहिए, इसलिए हम इन लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये डोंडू के बच्चे पागल हो गए हो? अपने फूल जैसे बच्चों को मैं तुम्हारे साथ भेज दूँ उस चुड़ैल के पास? अरे बहन जी, ये बच्चे नहीं है फूल जैसे, ये तो कांटे हैं कांटे, वो भी बबूल के। इनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो आपको पता चल जाए तो आप भूल जाएंगे कि ये बच्चे। ये तो भूत प्रेतों से भी भागड़ा करवा दे, ऐसे बच्चे हैं ये। चाहे जो भी हो, हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को तुम्हारे साथ उस परेतिन के पास। और आगे से ऐसी बात ना करना, नहीं तो मारे घसीट के लपड़ अभी, यही फैल जाओगे। जिस जगह की डोंडू पापा बात कर रहे हैं वो जगह इतनी डरावनी है कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फिर कैसे मम्मी हमको डोंडू पापा के साथ भेज देती? उन्होंने मना कर दिया और डोंडू पापा के लाख कहने पर भी वो नहीं मानी और फिर डोंडू पापा वहाँ से चले गए। डोंडू पापा को वहाँ से ऐसा जाते देखकर हम लोग को बहुत बुरा लगा, लेकिन हमारे पास भी दूसरा प्लान था। यार आंटी बहुत मारेंगी अगर पता चल गया कि आप लोग चुप्पे चुप्पे जा रहे हैं उनको बिना बताए डोंडू बाबा की मदद करने। अरे कुछ नहीं होगा, हमें ना बचाने के लिए। अबे तुम क्या बचाओगे यार टबलू, तुम खुद डरे जाओगे अच्छे से, आपको पता नहीं है क्या आंटी कितनी डेंजरस है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो रात के अंधेरे में हम बिना मम्मी को बताए डोंडू बाबा की मदद करने के लिए निकल पड़े। ये काम बहुत रिस्की था, अगर मम्मी को पता चल गया तो उनका गुस्सा एकदम टूट पड़ेगा हम लोगों पे और वो हम लोगों को पंखे पे उल्टा लटका देंगी। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट, बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। हम लोग जिस रोड से जा रहे थे वो रोड इतनी सुनसान और डरावनी थी कि जैसे सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोग साइकिल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि थोड़ी देर बाद रास्ता अचानक से एक घने जंगल के किनारे पर खत्म हो गया और हम लोग अब यहाँ पर फंस गए। अबे टबलुआ, ये रास्ता तो यहाँ पे खत्म हो गया यार, अब कहाँ जाए हम लोग? यहाँ आसपास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कोचू,
अब तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, जंगल वाले। हे अबे भाई ऐसा मत बोला यार, ऐसे ही हालत खराब है। उस जंगल के रास्ते में सबसे बड़ी परेशानी थी वहाँ का काला घना अंधेरा। रात के समय जंगल इतना अंधेरे में था कि हमें अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे, और हर तरफ से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। रास्ता तो काफी लंबा होने वाला है टब्लू, तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाते। ये स्टोरी हमको मेरे बाबा ने सुनाई थी। इतना कहकर बोंदू अपनी स्टोरी शुरू करता है। एक बार की बात है जब एक बहादुर सिपाही को अपने राजा का एक संदेश लेकर एक दूसरे गांव में जाना था। रात का समय था और उसे एक घने और डरावने जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब और चमत्कारी चीजें होती हैं। जैसे ही वो सिपाही जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ों के पत्ते चमक रहे हैं और हवा में एक अजीब सी स्मेल है। सिपाही ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच में उसे एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। सिपाही ने बिना डरे उस परछाई का सामना किया और देखा कि वो एक भेड़िया था, लेकिन ये भेड़िया आम नहीं था, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिपाही ने अपनी तलवार उठाई और भेड़िये से लड़ने लगा। भेड़िया बहुत तेज था, लेकिन सिपाही ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार सिपाही ने भेड़िये को हरा दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के और अंदर जाने पर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक रोशनी चमक रही थी जैसे वहाँ पर कोई चमत्कार होने वाला हो। सिपाही मंदिर के अंदर गया और उसने देखा वहाँ एक साधु जी बैठे हुए थे, वो ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सिपाही को देखा। साधु ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और साहस के कारण तुम्हें एक विशेष वरदान मिलेगा, लेकिन ये वरदान का राज तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अपने राजा का संदेश सफलता से पहुंचा दोगे। सिपाही ने सोचा कि इन्हें संदेश के बारे में कैसे पता। फिर सिपाही ने उन साधु को प्रणाम किया और वहां से सीधा चला गया, और गांव पहुंचकर वो संदेश उसने उस गांव के मुखिया को दे दिया। तभी उसे उस साधु के वरदान का राज समझ में आया। क्या हुआ बोंजू, रुक क्यों गए? बताओ बताओ क्या राज था वो? वो देखो टब्लू, टोंडू बाबा की सवारी। अरे हाँ यार, कहानी सुनते सुनते हमको पता ही नहीं चला कि हम लोग कब जंगल से बाहर आ गए। लगता है टोंडू बाबा यहीं कहीं है, या शायद इसी घर के अंदर है। फिर हम तीनों दोस्त धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। ये क्या, ये बोर्ड पर क्या लिखा है? यहाँ पेशाब करना मना है। हे, हम लोग इतनी दूर घर से क्या यहाँ सुनसान में पेशाब करने आए? लोग कुछ भी लिख देते हैं। अब हम लोग उस घर के बिल्कुल सामने खड़े थे, लेकिन समस्या ये थी कि सामने दरवाजा आग की लपटों से घिरा हुआ था। हमने हर कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें अंदर घुसने का और कोई रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब यही एक रास्ता है घर के अंदर जाने का, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग आग के बीच से कैसे अंदर जा सकते हैं, या फिर कोई तरकीब है? ये आपको पता चलेगा पार्ट टू में। तो अगर पार्ट टू देखना चाहते हो तो कमेंट कर दो पार्ट टू और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों दुश्मनों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और अगर हमसे पहली बार मिले हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है टब्लू।